According to 73rd Amendment Act 1992, under Article 243D, not less than one-third or 33% seats shall be reserved for women in local bodies. So, 73rd Amendment Act आया 1992 में और इसके according जो article है वो है 243D. तो इस article के अंदर ये प्रावधान है कि जितने भी local bodies हैं, वहाँ पे 33% reservation होगा women का, women की भागीदारी 33% minimum होगी। मिनिमम है ये इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन एटलीस्ट थर्टी थ्री परसेंट सीट जो है वो रिजर्व रहेंगी वेमेन के लिए सो अकॉर्डिंग टू सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन नाइनटी टू अंडर आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डी नॉट लेस देन थर्टी थ्री परसेंट सीट्स शैल बी शुड बी रिजर्व फॉर वेमेन इन लोकल बॉडीज़ द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व सेटअप इन मद्रास सिक्सटीन एटी एट जब पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में कब सेटअप हुआ था मद्रास में

कि डिस्प्यूट डिसाइड करना कि स्टेट और सेंटर के बीच में ये किसके अंदर आता है ये आता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर में द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्टेड टू द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट क्या बात सही है हाँ वेन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाईकोर्ट किसी भी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस अगर एक्ट करता है इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपैसिटी में एक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो सब्जेक्ट होगा रिट ज्यूरिजिक्शन के किसका फॉर एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट सो वैन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्टेड टू रिट ज्यूरिजिक्शन ऑफ एनी अदर जजेज ऑफ द हाई कोर्ट सो वैन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपैसिटी ही इज सब्जेक्टेड टू रिट जेरिड जुरिजडिक्शन ऑफ एनी अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शेल नॉट इंक्लूड ट्रिब्यूनल जज क्या बात सही है डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना उसमें ट्रिब्यूनल जज नहीं होगा दो अलग अलग चीज़ें हैं ट्रिब्यूनल जज अलग होगा डिस्ट्रिक्ट जज अलग होगा सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शेल नॉट इंक्लूड द ट्रिब्यूनल जज

सो विलफुल डिसबीडियंस और नॉन कंप्लाइंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स एंड द यूज ऑफ लैंग्वेज अबाउट द जुडिशियल बिहेवियर अमाउंट टू द कंटेम्प ऑफ कोर्ट जुडिशियल एक्टिविज्म नॉट बी प्रैक्टिस्ड विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विथ प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश कंटेम्पअस बिहेवियर क्या बात सही है हाँ सही है क्या बोल रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म कैनॉट बी प्रैक्टिस्ड विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विथ प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश द कंटेम्पटूअस बिहेवियर जब तक ये जुडिशियरी को ये पावर नहीं रहेगा कि वो कंटेम्पटस बिहेवियर को पनिश कर सके तो वो जुडिशियल एक्टिविज़म को प्रैक्टिस नहीं कर सकता है मतलब जुडिशियल एक्टिविज़म का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा बोल्ड स्टेप ले सकें ठीक है तो जब मान लीजिए हम इस तरह से कुछ बोल्ड स्टेप लेंगे तभी तो लोग डरेंगे ना वरना अगर उसके पास कोई प्यूनिटिव पावर ही नहीं है कि हाँ उसके बिहेवियर का कुछ पनिश भी मिल सकता है तो फिर लोग क्यों उस कुछ इसको सीरियसली लेंगे नहीं लेंगे तो इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म कैन नॉट बी प्रैक्टिस विदाउट आर्मिंग द जुडिशरी विद प्यूनिटिव पावर्स टू पनिश द कंटेम्पटूअस बिहेवियर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइज टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट और ओनली इफ यू सीक्स सच एडवाइस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट ओनली इफ ही सीक्स सच एडवाइस तो प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एडवाइस ले सकता है मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है <coughs> ये तब हो सकता है लॉ के मैटर में जब वो एडवाइस लेना चाहिए वो अगर प्रेसिडेंट एडवाइस अगर लेना चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसको एडवाइस दे सकता है According to Seventy-third Amendment Act, 1992, under Article 243D, not less than one-third or 33% seats should be reserved for women in local bodies. True. The first municipal corporation of India was set up in Madras, 1688. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the centre and the state falls under its which jurisdiction? Original jurisdiction. When the Chief Justice of a High Court acts in an administrative capacity, he is subjected to the writ jurisdiction of any other judges of the High Court. According to the Constitution of India, the term district judge shall not include tribunal judge. Willful disobedience or non compliance of the court orders and the use of derogatory language about judicial behavior amount to contempt of court. So, this statement is true. Judicial activism cannot be practiced without arming the judiciary with punitive powers to punish contemptuous behavior. True or false? True. The Supreme Court of India tenders advice to the President on a matter of law or fact only if he seeks such advice. Bye bye.